नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाने की पोर्टल पर फर्जी डाटा एंट्री की जा रही है। हज पर जाने वाले आजमीनों को सिर्फ रिकॉर्ड में वैक्सीन लगाई जा रही है। बता दें कि हज पर जाने वालों के लिए वैक्सीन की दो डोज लगवाना जरूरी है, अनिवार्य है। जानकारी ये भी मिली है कि सरकारी अस्पतालों में कोविड की वैक्सीन खत्म हो चुकी है। साथ ही आजमीनों की मजबूरी का फायदा उठाकर मोटा पैसा लेकर वैक्सीन लगाने की फर्जी डाटा एंट्री का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नाक के नीचे ये फर्जीवाड़े का बड़ा खेल चल रहा है। उन्नाव में लापता हुई किशोरी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। रात में परिजनों के पास सो रही किशोरी देर रात लापता हो गई। किशोरी का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परियर चौकी के पास किशोरी का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया। गुस्साए ग्रामीणों ने परियर चकलबशी मार्ग जाम कर दिया। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के परियर गाँव की पूरी घटना बताई जा रही है। झांसी में संपत्ति के विवाद को लेकर एक परिवार में हमला किया गया और बाद में पुलिस से मिलकर उल्टा मुकदमा लिखा दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी जो है वो चचिया ससुर लगता है। इतना ही नहीं, दुकान और गोदाम को भी सील करा दिया गया है। परेशान परिवार ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाया। ये पूरा मामला बहुसागर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाजार में रहने वाली अर्शरा लक्षकार का है। जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में उसने बताया कि वो बाजार में दुकान और गोदाम में चूड़ी बेचने का काम करती चली आ रही है। ये संपत्ति उसके ससुर की संपत्ति है। उसके ग्वालियर में रहने वाले चचा ससुर और उसके परिजन लगातार शुरू से ही उसकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और बीते दिन शाम को जब वो दुकान पर बैठी थी तभी चचा ससुर और उसके परिवार के लोग दुकान में घुस आए। गाली गलौज करते हुए सामान फेंकने लगे। मना करने पर उसकी मारपीट की। जब उसकी ननद और सास पीछ पछाव करने के लिए आई तो विपक्षियों ने उन्हें भी पीटा। वहीं पुलिस से मिलकर उसके परिवार वालों के खिलाफ फर्जी मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। इतना ही नहीं, थाना अध्यक्ष द्वारा गलत रिपोर्ट भेजकर उसकी दुकान और गोदाम को भी सील करा दिया गया। प्रार्थना पत्र में उसने पूरे मामले की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। हमारी ये समस्या है कि हम अपनी बरुआ सागर में हमारी दुकान है, हम उस पे दुकान पे अपने बैठे हुए दुकान चला रहे थे। अचानक हमारे चचिया ससुर, चचिया सास और उनकी लड़की अनामिका लक्षकार, उनकी पत्नी, उनकी बहू नीलम लक्षकार हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया कि हमको भी दुकान चाहिए। दुकान का तोड़ फोड़ करने, और अभिषेक लक्षकार भी था, तोड़ फोड़ करने लगे दुकान का। तो हम लोगों ने कहा क्यों तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो बोला कि हमको भी चाहिए हिस्सा। तो हमने कहा न्यायालय में हमने डाल दिया है, तो जब फैसला होगा जो हमें मंजूर है। पर नहीं, वो अचानक कब्जा करना चाहते हैं, फिर पुलिस लेके आ गए। पुलिस वालों ने भी हमें मारपीट की, हम लोगों को, हमारी नंद को, हमारी माँ को, हमारे बच्चों को। अच्छा, और हमारा जो दुकान में कैमरा लगा था उनको भी तोड़ दिया। वही पीलीभीत की पुरनपुर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर बाइक सवार चार युवकों ने महिला को गुमराह कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। एक बार फिर कोतवाली के चंद कदमों की दूरी पर दिनदहाड़े महिला से बाइक सवार चार युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। लगातार क्षेत्र में हो रही चोरी और लूटपाट की घटना से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। और अब खबर उन्नाव से, जहां दही थाना क्षेत्र स्थित रूस्तम स्लॉटर हाउस में सेफ्टी टैंक की सफाई करने उतरे दो मजदूर बेहोश हो गए। ये देख मौजूदा कर्मचारियों ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। घटना की सूचना पर मौके पर सीओसीटी पुलिस बल के साथ पहुंचे और परिवार को शांत कराया। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही इस पूरे मामले की छानबीन भी की जा रही है।
औरैया वन रेंज क्षेत्र में जंगल से काटी जा रही लकड़ी माफियाओं के खिलाफ वन विभाग कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहा है। आपको बता दें कि औरैया जनपद के वन रेंज क्षेत्र में जंगल से माफिया लगातार लकड़ी काटने पर जुटे हुए हैं, जिसकी शिकायत लगातार डीएफओ औरैया से की जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने की वजह से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि माफियाओं के हौसले और ज़्यादा बुलंद हो गए हैं। कोयला भट्टी के लाइसेंस धारकों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया है कि लकड़ी से यहाँ पर बेचा जाता है और साथ ही साथ कटर के माध्यम से उसे काटकर टुकड़े टुकड़े करके उसे बाहर भेजा जा रहा है, जिसकी शिकायत उन लोगों को मिली और वन विभाग के उच्च अधिकारियों को उन्होंने शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और तो और, वन विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा कटर संचालक से साठ गांठ कर कटर को चलवाया जा रहा है, जिसमें वन विभाग कार्रवाई करने की बजाय उन्हें संरक्षण देता है। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। ये हमारे संज्ञान में तो आया है वकील ने कि ये कोई अवैध जो है वो चिपर चला रहा कटर, लकड़ी कटर। तो कुछ दिन पहले तक उसमें थोड़ा सा भी ये संशय था कि उसके बारे में क्या कहता, जैसा ये आप कह रहे हैं, लेकिन अब वो जो है ख़त्म हो गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तीन साल बाद सऊदी अरब से वापस अपने नगर गुलावटी स्थित गांव चिड़ावक पहुंचे एक आबिद पुत्र अजीदुद्दीन नामक युवक की मौत को हाल ही में अंजाम दिया गया। मृतक आबिद के शव को एसडीएम रवि त्रिपाठी की उपस्थिति में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी और उसके दोनों भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया है। पीड़ित परिजनों ने डीएम से पोस्टमार्टम कराने की गुहार भी लगाई थी। आपको बता दें कि यहाँ पर फोन ब्लास्ट में करंट से मौत होने का दावा किया जा रहा था कि मोबाइल फोन में ब्लास्ट हुआ, करंट लगा, जिसकी वजह से युवक की मौत हो गई। एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने बताया कि मामले की पूरी जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गुलावटी क्षेत्र के गांव चिड़ावक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति सऊदी अरेबिया से लगभग 3 वर्ष बाद यहाँ बुलंदशहर वापस आया था, और जिस दिन वो वापस आया वो अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गया था, जहाँ पर कि उसकी मृत्यु हो गई। परिवारजनों द्वारा पहले उसके शव को दफन कर दिया गया था, बाद में उनको कुछ आशंका हुई जिसके आधार पर उन्होंने एप्लीकेशन दिया और कि वो पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, और इस एप्लीकेशन के आधार पर बॉडी को आज एक्ज्यूम कराया जा रहा है ताकि उसका पोस्टमार्टम हो जाए। पोस्टमार्टम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सहारनपुर के देवबंद में पुलिस फायर स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि फायर हेडक्वार्टर और एसएसपी के आदेशानुसार साल में 2 बार फायर स्टेशन का मुआयना किया जाता है। उन्होंने बताया कि देवबंद में भी हमने फायर स्टेशन का वार्षिक मुआयना किया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की स्थिति, गाड़ियों की स्थिति, स्टेशन की साफ सफाई और आगामी होली के त्यौहार को देखते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए थे। आज जो है ये हमारे फायर स्टेशन हेडक्वार्टर और कप्तान साहब का आदेश है, वर्ष में 2 बार मुआयना किया जाता है फायर स्टेशन का। उसमें हमारी गाड़ियों की स्थिति क्या है, साफ सफाई कैसी है और कर्मचारियों की स्थिति क्या है। आगे फायर स्टेशन शुरू होने वाला है, दिवाली का त्यौहार, उसका होली का त्यौहार आने वाला है, इम्पोर्टेंट है। उसी संबंध में फिर मैं आज जो है यहाँ देवबंद में मैंने वार्षिक मुआयना किया है। इसमें जो अपने कर्मचारियों की क्षमता, गाड़ियों का निरीक्षण, स्टेशन की साफ सफाई और बाकी जो आगामी सीजन को देखते हुए इन सबको जो है दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, और ये एक रूटीन प्रोसेस होता है जो कि साल में 2 बार मुआयना किया जाता है। मुजफ्फरनगर के भरतिया कॉलोनी में अंधेरे का लाभ उठाकर एक निराश्रित गौवंश को 2 लोग कार में डालकर ले गए। गौवंश को कार में डालकर ले जाने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना का संज्ञान लेते हुए नई मंडी कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गौवंश को कार में डालकर ले जाने के मामले पर हिंदुवादी संगठनों के लोगों में काफी रोष नजर आ रहा है। देवरिया जनपद के समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय शाकिर अली की 30वीं पुण्यतिथि उनके आवास पर मनाई गई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता पहुंचकर स्वर्गीय शाकिर अली को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। वहीं परवेज आलम ने अपने पिता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर
उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इस समय वो भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी हमेशा दबे कुचले शोषित वंचित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हमेशा से मदद करते हुए रहे थे और मैं उनके अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास करूंगा। इस मौके पर बसपा नेता इलियास अंसारी, सपा नेता विजय प्रताप मणि, बबलू यादव, बांकेलाल यादव, प्रभा भारती, तमाम सभी दलों के नेता उपस्थित रहे। मेरे वालिद मरहूम जनाब साकिर अली साहब पूर्व मंत्री जी को अपनी खैज अकीदत पेश कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और याद कर रहे हैं। इस अवसर पे बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मेरे पिताजी ने अपना पूरा जीवन गरीबों, कमजोरों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक समाज के उत्थान और खुशहाली के लिए लगाया, उसी तरह से मेरे शरीर का हर एक कतरा समाज के हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म और संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाला हो, उसके खुशहाली उत्थान के लिए लगेगा। और पूरा जीवन जिस तरह से मेरे पिताजी ने जनता के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसी तरह से जनता के लिए मैं अपना पूरा जीवन समर्पित करता हूँ। वहीं फिरोजाबाद में एक महिला टीचर की बर्बरता सामने आई है। मासूम बच्ची कपड़ों में स्वाच करने से नाराज महिला शिक्षक ने मासूम को बाल पकड़कर इतना पीटा कि मासूम के सिर के बाल ही उखड़ गए। शिक्षक की बर्बरता से नाराज परिजन मासूम को लेकर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षक के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत की है। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। मैं बच्ची को इसलिए लेके आया हूँ कि इनकी जो बड़ी मैडम है, उन्होंने इनके बाल पकड़ के मारा है। किस बात को लेके? ये बच्ची लेटरिंग करने के लिए मतलब बोल रही थी, मगर उन्होंने इसको जाने नहीं दिया, तो इसने कपड़ों में ही लेटरिंग कर ली। इस कारण इसको इस कदर मारा है कि बाल भी उस जगह से उखड़ गए। जालौर में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार को रौंद दिया, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। वन साइड लाइन के चलते आए दिन ये सड़क हादसे होते हैं। एक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गिरथान NH 27 की पूरी घटना बताई जा रही है। आप लोगों ने जुड़वा बच्चों का जन्म सुना होगा, लेकिन एक महिला के गर्भ में भ्रूण पलने का दुर्लभ मामला सामने आया है बस्ती जनपद का, जहां मालवीय रोड स्थित भव्य मेडिकल सेंटर में जांच के दौरान इसकी जानकारी हुई तो चिकित्सक हैरान पड़ गए। महिला के परिजन भी हैरान हैं। फिलहाल डॉक्टर की टीम इस दुर्लभ स्थिति को इसका सामना कर रही है। वहीं गर्भवती महिला और उसके परिजनों को अस्पताल की टीम मानसिक रूप से तैयार करने में भी जुटी है। ये मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हम लगातार इसका सामना कर रहे हैं। हरदोई में ऑटो चालक को पुलिस ने जमकर पीटा है। मामूली बात से नाराज पुलिस ने ऑटो चालक को पीटा। शहर के कल्ला मंडी के सामने पुलिस ने ऑटो चालक को पीटा है। पुलिस की पिटाई का लाइव वीडियो सामने आया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।